पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हो और खुश रह रहे हो, क्योंकि खुश रहना और हेल्दी रहना यानी कि फिट रहना शुड बी द टू मंत्रास ऑफ आर लाइफ। अब आज के लिए ज्ञान काफ़ी हो गई। चलिए, मैं आपको ये बताने वाली थी कि मैं निकलने वाली थी ऑफिस और मैंने सोचा क्यों ना मैं एक क्विक वीडियो आप लोगों के साथ मतलब ये शूट कर लूँ ताकि आपसे शेयर कर सकूँ। देखिए भाई, कॉलेजेस और ऑफिसेज खुल चुके हैं, राइट? मोस्टली तो खुल ही चुके हैं। और ऑफिस या कॉलेज जाने के पहले हम सबको ना एक ऐसा लगता है कि यार कोई हल्की सी छोटी सी मेकअप टिप बता दे, वो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं जिससे वी कैन बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आर सेल्फ। तो उस वही पर्पज़ है आज की इस वीडियो का। मैं आप लोगों से एक क्विक टिप शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ और क्या क्या चीज़ों को यूज़ करके मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो इस वीडियो में हम आगे वही देखेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले आप जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिएगा। आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो लाइक और कमेंट तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स अप्लाई दिस। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस। अभी आप निकल रहे हो ऑफिस, रास्ते में जाओगे धूल धक्कर, बहुत सारा यूवी रेडिएशन, सो यू नो आपके स्किन को लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, आशाया या रिंकल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यूवी रेज की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो टू अवॉइड दैट यू शुड ऑलवेज अप्लाई सनस्क्रीन जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हो। तो और मैंने अपने पुराने कुछ वीडियोज में बताया है कि आप जब घर पर भी रहें तो सनस्क्रीन दिन में तो ज़रूर से लगा कर। सो वी आर डन विथ आवर स्किन केयर। ये लिप बाम, अब देखो आप जब सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस या कॉलेज जाते हो ना तो ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है, राइट? तो मैं 90% ऑफ द टाइम यही इसी के ऊपर मैं कॉम्पैक्ट लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, लाइनर लगाती हूँ, मेरा काम हो जाता है। 90% ऑफ द टाइम मैं इतना ही करती हूँ, बट आज के स्टेप में मैं एक दो चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड करने वाली हूँ जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। सो आई थॉट लेट मी शो दिस पार्ट ऑफ इट, दोनों ही कवर हो जाएंगे, ठीक है? सो जो नेक्स्ट स्टेप की बात मैं कर रही हूँ वो है ये एप्लीकेशन ऑफ लैक्मे सीसी क्रीम। ये जो है ना, इट्स अ शेड ऑफ 0 to 2 honey, मेरा जो शेड है 0 to 2 honey। तो ये मैं अभी अप्लाई करूँगी और इसमें भी SPF 30 PA++ है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इतना सही लिया मैंने, ठीक है? नाउ यू कैन टेक दिस एंड अप्लाई। इससे भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइक दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी कम्फर्टेबल एप्लीकेशन, वेरी कम्फर्टेबल फॉर्मूला। तो आप सीसी क्रीम किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं एंड आई एम गोना जस्ट मिक्स इट विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर। तो ये थोड़ा सा लूज़ पाउडर है, जस्ट टू नो, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो लूज़ पाउडर बहुत ज़्यादा अच्छे से काम आता है। आप कॉम्पैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके आप कंफर्टेबल हो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ एंड लेट्स डू द आईब्रोज। पहले एक मिरर तो ले लो। तो कभी भी आईब्रोज करने के पहले ना आप इसे ऐसे कोम ज़रूर कर लें। सो आई एम यूजिंग दिस आईब्रो पेंसिल। मैं प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आईब्रोज का ये किस्सा है यार कि आप कोई मेकअप ना करो और सिर्फ आईब्रो कर लो ना तो आपका चेहरा बहुत एनहांस्ड लगता है। एक्चुअली लिपस्टिक, आईब्रोज एंड लाइनर, दीज आर माय 3 go-to thing। नेक्स्ट चीज़ जो मैं करने वाली हूँ वो है लाइनर। काफ़ी सालों से आप ये देख रहे हो मुझे स्विस ब्यूटी का ये लाइनर इस्तेमाल करते हुए। एंड आई एम यूजिंग अ मस्कारा हेयर एंड यार आई लाइक दिस मस्कारा अलॉट। मुझे ना वो वाटरप्रूफ मस्कारास पसंद नहीं है, उसे हटाते हटाते लैशेस निकल जाती हैं बट मस्कारास नहीं निकलते। उसके बाद ये काजल विच इज फ्रॉम नाइका रॉक द लाइन काजल, ये मैं थोड़ा ही लगाती हूँ। ये हो गया एंड एक्चुअली आई लाइक नो काजल लुक मोर देन काजल लुक। आपके साथ भी ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा। तो ये हो गए हमारे आंखों के श्रृंगार, अब हमें बस लिपस्टिक लगानी है। तो उसके लिए आई एम यूजिंग दिस लिप लाइनर एंड फॉरगेट दिस आई गॉट अ पिंपल, बट ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। एंड नाउ गोज दिस लिपस्टिक, दिस इज फ्रॉम शुगर मैट अटैक ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक 09 द पीच बॉयज। सो दिस इज इट, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। अब चलिए पहन लेते हैं अपने इयर रिंग्स और फिर घड़ी और फिर जल्दी से ऑफिस के लिए निकलते हैं। एंड दिस इज द होल मेकअप अगर आपको ऑफिस जानी है तो। इसमें जो मैंने एक स्टेप दिखाया विच इज एडिंग अ सीसी क्रीम इज एन एक्स्ट्रा स्टेप विच आई डू
जस्ट समटाइम्स यू नो, लाइक अगर ऑफिस में कुछ इवेंट है, कुछ प्रोग्राम है, या हम लोग कभी एज ऑफिस कलीग्स हम लोग डिनर विनर के लिए जा रहे हैं, देन आई डू दिस. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स माई स्किन केयर, कॉम्पैक्ट, काजल, लाइनर, लिपस्टिक, मस्कारा, दैट्स ऑल. यस, दैट्स ऑल. सो देखा कितना ईजी था ये मेकअप लुक क्रिएट करना. अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, या ऐसे कभी कहीं बाहर भी जा रहे हैं, यू कैन टोटली डू दिस लुक. इट्स वेरी ईजी, वेरी बेसिक इन फैक्ट. मतलब इसमें कुछ भी नहीं है. ऑल यू हैव टू डू इज अप्लाई इट इन द राइट वे एंड डू योर स्किन प्रेप बिफोर यू डू एनी काइंड ऑफ मेकअप. दैट्स द होल पॉइंट अबाउट इट. ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ कमेंट. आई ऑलवेज आस्क ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ कमेंट करके बता दो यार, खराब लग रही है, अच्छी लग रही है, जैसे भी लग रही है बता दो. मुझे थोड़े फीडबैक्स भी दे दो अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो. और क्या, बाकी कुछ नहीं, बाकी अपना ख्याल रखना, सब बढ़िया, अच्छे से रहना. मैं जल्दी से आप लोगों के लिए एक व्लॉग लेके आने वाली हूँ. लेट मी सी व्हेन कैन आई अपलोड इट. और अभी आगे आप लोगों को बहुत सारे व्लॉग्स मिलने वाले हैं. क्या क्या व्लॉग्स वो आप आगे देखते रहना, बट बहुत सारे व्लॉग्स मिलने वाले हैं. तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और बहुत ज़्यादा खुश रहना.